परीक्षा है, इसी परीक्षा के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे योगी आदित्यनाथ। ये परीक्षा वो फेल हो चुके हैं। मिल्कीपुर चुनाव में इस बार क्या होगा बताइए? क्या मिल्कीपुर चुनाव इस बार इतिहास कायम करेगा? जैसे 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 92 में बीपी मिश्रा डीएम को हम लोगों ने हरा करके आनंद सेन को विधायक बनाया था, वैसे इस बार अजीत प्रसाद को 2500 वोट से जिता करके हम उत्तर प्रदेश की सदन। दिल्ली वाले नेताओं ने मुख्यमंत्री को वहाँ की जिम्मेदारी दे दी। सुनिए, दिल्ली वाले तो क्या किए, चार बार अयोध्या में मोदी जी आए, चार बार मुख्यमंत्री जी आए, प्रदेश सरकार के सभी मिनिस्टर लगे, लेकिन हमारे लोकप्रिय सांसद अवधेश प्रसाद ने 53,000 वोटों से भाजपा को हरा कर कायम किया। मुख्यमंत्री जी वहाँ खूंटा गाड़ने के लिए खूंटा गाड़ दे। मेरे पास जनसैलाब है, पीडीए के तहत उनको हराएंगे। हमारे पास विकास का मुद्दा है। लेकिन तीसरे दिन हेलीकॉप्टर जाएगा उनका, इस बार है जय रैली आवे। हमारा लोकप्रिय प्रत्याशी इतना काम किया है कि विकास के नाम पर चाहे आश्रम पद्धत विद्या हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे जीआईसी कॉलेज हो, चाहे महिला जीआईसी कॉलेज हो, चाहे सौसैया का अस्पताल हो, चाहे हमारा नौगवा का हॉस्पिटल हो, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया आज तक मिल्कीपुर में, एक शिलान्यास करके बता दे। उन्होंने तो काम बंद करने का काम किया, चलाने का काम नहीं किया। कल हेडलाइन बनने वाली है कि सपा ने उन्हें बेटे को प्रत्याशी बना दिया है, परिवारवाद को बढ़ावा दे दिया। मुन्ना सिंह चौहान के न रहने के बाद शोभा सिंह के न रहने के बाद अमित सिंह, इसको तो भाजपा ने शुरू किया है फैजाबाद की सरजर्मी से। आज बीकापुर का विधायक अमित सिंह चौहान जो है, उसका बाप मुन्ना सिंह थे, उनकी माता शोभा सिंह थी, तो भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? परिवारवाद पर आपको घेरा जाएगा फिर से एक बार। बात बीजेपी के लिए जवाब है, पहले अपना गृहबान झांक करके भाजपा के लोग देखें तब हमसे बात करेंगे। हाँ, माननीय सांसद अयोध्या लल्लू सिंह अपने भतीजे टिल्लू सिंह को जो है सभापति बनाया, कहाँ परिवारवाद नहीं है? पहले भाजपा के लोग अपना गृहबान झांक के देखें तब हमसे बात करेंगे। दाल नहीं गलेगी इस बार, सपा आ रही वहाँ पर। हाँ बिल्कुल आ रही, सपा दाल नहीं गलने पाएगी। 40-40 मंत्री प्रचार कर, 40 मंत्री आवे चाहे 100, तो आप सुनिए, हमारा जो प्रत्याशी है उसका वोट है, उसकी माँ का वोट है, माननीय मंत्री जी का वोट है, योगी साहब का वोट लेके लखनऊ से जा रहे थे, इनका तो खुद का ही वोट नहीं, इनका बोरा से भर के ले जाएंगे कि हमारी पोलिंग छीन लेंगे, हमारी पोलिंग पर चाहे जितने इनके जवान आवे, लेकिन संघर्षों की धरती, संघर्षों का पोलिंग में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, चुनाव हम जीतेंगे। मिल्कीपुर की जनता के ऊपर, विकास के ऊपर, स्वर्गीय मिश्रेन यादव की धरती है, संघर्षों की धरती है। ये धार है, ये धार देखने को मिलेगी आगे, मिलेगी। आइए बिल्कुल, आप बहने से आपको देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, हम लोग मान नहीं रहे हैं, वो लोग बेलो हटा रहे हैं, उनको तो अपने ऊपर विश्वास नहीं, उनको भगवान राम के ऊपर विश्वास नहीं, अपने विचारों पर विश्वास नहीं। आज बेलो यादव के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, एससी के नाम पर हटाए जा रहे हैं। हम लोग तो ईमानदारी से वोट मांग रहे हैं जनता के बीच में, और वही जनता हमको वोट देगी, उसी जनता के मतदान से हम चुनाव जीतेंगे। देखिए दादा, मिल्कीपुर के रहने वाले दहाड़ रहे, बता रहे हैं कि इस बार भी समाजवादी पार्टी की साइकिल मिल्कीपुर में चल जाएगी, फिर से चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल 100% चलेगी। यानी सपा वहाँ पर फिर से खूंटा गाड़ देगी, गढ़ हो जाएगा, और समाजवादियों का गढ़ है, वो गढ़ रहेगा। बहुत तेजी से रफ्तार से दौड़ेगी आपकी वहाँ साइकिल, दौड़ेगी फिर से, एक तरफा दौड़ी हो, समाजवादियों का गढ़ है वो। 27,000 वोटों से जीतेगी, कम से कम 27,000 वोटों से, 27,000 लग गई आज। हाँ जीतेगी, कोई दिक्कत नहीं है। शासन प्रशासन बल लगा ले, वो समाजवादियों का गढ़ है, वो गढ़ रहेगा वो। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जा रहा है इस बार, वही पर वो अपना उड़ान खटोला वहाँ बिछा दे, तब भी नहीं चुनाव जीत पाएंगे। हाँ पार्टी चुनाव जीतेगी इस बार, लेकिन मुख्यमंत्री जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली जो मिल्कीपुर में सपा की साइकिल बहुत तेज से दौड़ेगी, एक तरफा दौड़ रही है, एक तरफा चुनाव है। मुख्यमंत्री का कद छोटा हो गया है, क्योंकि ये इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनको केवल मिल्कीपुर कटहरी दी गई है, और इनकी अग्नि परीक्षा है, ये परीक्षा हार जाएंगे तब ये मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे, हटा दिए जाएंगे। अग्नि परीक्षा उनकी है। हाँ अग्नि परीक्षा, हार जाएंगे भैया, हार जाएंगे। दिल्ली के बड़े बड़े नेता बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि आपका गढ़ था, आप वहाँ पे हार गए, तो आपकी क्या राजनीति है? क्या राजनीति है? बिल्कुल एक उपचुनाव नहीं जीता पाए तो क्या करोगे? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए।
जो आप योगी जी को छोड़ने वाले नहीं है बिल्कुल नहीं, जो आप अपना घर बताते हैं, आप अपने घर में जब हार जा रहे हैं तो आप कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? जी भैया, जी भैया सही कह रहे हैं। इस बार इतना छुट्टा जानवर की व्यवस्था अभी तक वो नहीं कर पाए। वो बाराबंकी में प्रधानमंत्री आकर के बोले थे कि उसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए उनको हारना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। जनता की पुकार है, मिल्कीपुर जनता की ललकार है। अब की अजीत भैया वहाँ के विधायक बनने जा रहे हैं, विधायक बनने जा रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर देख सकते हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे को उनको यहाँ पर टिकट मिला है, उसे समर्थन में तस्वीरें देखिए। तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिल्कीपुर से लखनऊ की धरती पर आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री जी की दाल वहां पर गलने नहीं है, नहीं गलने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जल्दी जल्दी उतरेगा घोसी में। वही पर उतरे चाहे जो उतरे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं मिल्कीपुर की जनता को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले वो 400 बार आए मुख्यमंत्री जी, 400 बार आएंगे, लेकिन फिर भी मिल्कीपुर जनता उनका साथ नहीं देगी। मिल्कीपुर की जो लड़ाई है बहुत ही कांटे की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी ने स्वयं मुख्यमंत्री जी को वहां का प्रभारी बनाया है, तो एक प्रकार से मुख्यमंत्री जी के लिए चुनौती होगी कि कैसे न कैसे मिल्कीपुर उपचुनाव जीता जाए। लेकिन समाजवादी लोग भी पीछे हटने वाले नहीं है, दम लगा के करें, मेहनत करेंगे और मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी को जिताकर रहेंगे। क्या जी मिल्कीपुर में आप ग्राउंड सर्वे करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि रिपोर्ट क्या है मिल्कीपुर की। आप एक बार मिल्कीपुर ग्राउंड सर्वे करके देख लीजिए। अजीत भैया इस बार वहाँ के विधायक बनने जा रहे हैं। जी भैया, और पूरा वो बाबू मित्रसेन यादव की धरती थी, है और हमेशा रहेगी, उनका जलवा था हमेशा बरकरार रहेगा। जिस तरीके से अयोध्या चुनाव आ रहे हैं उससे बुरी तरह ये मिल्कीपुर चुनाव हारेंगे। इतना कोई दामाद अपने ससुराल नहीं जाता जितना मुख्यमंत्री जी अयोध्या जा चुके हैं, उसके बावजूद भी वहाँ से वो चुनाव हार चुके और यहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर आता है। लेकिन इस बार मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री जी को स्वयं बीजेपी ने वहाँ पर प्रभारी बनाया है और तीसरे दिन बोलिए मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँच रहा है, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, तो माहौल बदल नहीं पाएगा क्या? बातचीत देखिए जातीय गणित जो वहाँ की है, वहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा जो है यादव और ब्राह्मण बाहुल और एक हम भी जात से ठाकुर हैं, आनंद सिंह मिंटू नाम हमारा। लेकिन जो वास्तविकता है मुख्यमंत्री जी की कोई लोकप्रियता नहीं है, मिल्कीपुर में भीड़ नहीं इकट्ठा होती उनके नाम पर, आदमी के कर्म की पूजा होती है। प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा का जो 2017 में हाल हुआ था अब वही 27 में होने वाला है। ये वही केशव मौर्य है जिनको पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री रहते हरा दिया था, जिसको जनता ने नकार दिया है, वो कौन सी बात करता है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ऐसी बात, अरे भाई हमको आप डिप्टी सीएम बना दीजिए और जनता हमको पंच न बनाए, हमको गांव प्रधानी हरा दे, हमको जा करके अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, क्या मतलब है? लेकिन उनका भौकाल तो टाइट है कम से कम, वो नकली जैसे अगर गीदड़ को बाघ का सिर खाल पहना दी जाए तो वही मतलब है। मौका नहीं छोड़ते केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के लिए, एक भी मौका नहीं छोड़ते। मुंह पे किसी के जीएसटी और टैक्स नहीं है, कुछ बोल सकते, कुछ बोल रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। जिसको जनता चुनकर भेजती है, और अवधेश प्रसाद जी का पूरे विश्व में नाम हो रहा है, अयोध्या की जनता ने उनको सर्टिफिकेट दिया है, जिताया है, विश्वास किया है, तब आज वो पूरे विश्व की मीडिया और देश की मीडिया उनको दे रही है। कल एक खबर आएगी कि समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद को बढ़ावा दे दिया, फिर से उनके बेटे परिवारवाद अपने उनके बेटे को चुनाव लड़ा देगा। अरे अजीत प्रसाद दो दो बार जिला पंचायत लड़े हैं, चुनाव उनको सरकार भाजपा सरकार ने हरा दिया और उसके बाद परमानेंट क्षेत्र में रहते हैं, काम करते हैं, ये कौन सी बात है कि अगर हमारे पिताजी राजनीति करते हैं तो हम राजनीति में नहीं आ सकते? यही कहेंगे बीजेपी की और कोई क्षेत्र में नहीं था उनके बेटे, कहाँ बीजेपी परिवारवाद नहीं है? पंकज सिंह कौन है? पंकज सिंह कौन, राग भदौरिया कौन है बताएंगे? लालजी टंडन के सुपुतास्तो टंडन जी जो नहीं रहे वो कौन थे? ये कौन सा था? ये सिंह के बाद अमित सिंह आए। ये कहाँ से थे? ये कारगिल से लड़के आए थे, ये देश के लिए लड़ाई लड़के आए थे। अरे अमित शाह का बेटा जैसा जो क्रिकेट का पूरा ना स्पेलिंग नहीं बता पाएगा, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, ये कहाँ से बना, इसमें कौन खूबियत थी बताइए? तो वो कोई मतलब उस चीज का नहीं है, मतलब नहीं है। नहीं, नहीं। कैसे अयोध्या लोकसभा में एक इतिहास बना है, अयोध्या का पूरे विश्व में चर्चा है, आज लोग चर्चा कर रहे हैं। इस बार बीजेपी के हाईकमान, दिल्ली वाले हाईकमान ने मुख्यमंत्री जी के हाथ में प्रभारी बनवा दिया गया है मिल्कीपुर का, तो जिम्मेदारी बढ़ गई मुख्यमंत्री जी की वहाँ के लिए। देखिए ऐसा है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के, इतने बड़े मुख्यमंत्री, एक सीट के लिए जब प्रचार करेंगे, मेहनत करेंगे तो हो सकता है परिवर्तन हो। चलिए ठीक है, तो प्रचार तो लोकसभा में तो हुआ था, कहाँ गया वो?
कहाँ गई भाजपा की मेहनत? चुनाव हारे नहीं हारे, तो जिस तरीके से अयोध्या चुनाव हारे हैं उससे बुरी तरह ये मिल्की ग्रुप चुनाव हारेंगे। मुख्यमंत्री की परीक्षा है, इसी परीक्षा के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे योगी आदित्यनाथ, ये परीक्षा वो फेल हो चुके हैं। मिल्की पूरी नहीं, हम 10 विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो बेरोजगारी फैल रही है, जो ये 69,000 भर्ती आप देख लीजिए कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो रहा है, ये सारे चीजें बंद हो जाएंगी।